हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मेरा किचन में आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी में आज हमने बनाने जा रहे हैं सोया चंक्स का सब्जी। तो सबसे पहले इसको वजन कर लेते हैं, इसका मैनेजमेंट कर लेते हैं कितना क्वांटिटी है। तो मैं एक 200 ग्राम सोया चंक्स लिए हैं। इसको सबसे पहले पानी से तीन चार पानी वाश कर लिए थे। इसके बाद में इसको बॉयल किए हैं। बॉयल करके फिर तीन चार पानी धोकर इसमें जितना भी पानी था तो इसको मुट्ठी से गार दिए हैं। गार के इसको अब सब्जी बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या क्या डालना है वो मैं पहले बताती हूँ। सबसे पहले सोया चंक्स को मैरिनेट करूँगी। तो इसमें मैरिनेट करने के लिए हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच और 2 चम्मच, और इसमें थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, थोड़ी सी यानी 1 चम्मच जीरा पाउडर और धनिया पाउडर 2 चम्मच। इसमें जो भी मसाला दोस्तों डालना है, यही पाउडर वाला और एक कटिंग करके जो रखे हैं वही, इसमें पीस का मसाला कुछ भी नहीं डालना है। और फिर इसमें 1 कटोरी दही डालते हैं, यानी वजन में मेरा 100 ग्राम दही है। इसको दही डालते हैं। दही खाटा ना डालें दोस्तों, खाटा दही डालने से टेस्ट ख़राब हो जाता है। और मीठा दही डालिएगा तो अच्छा होगा, तो इसलिए हम घर में जमाए हैं और मीठा दही है। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालते हैं। इतना हमको नमक डालना है जो इतना इसका स्वाद आए, टेस्ट आए नमक का। और फिर ग्रेवी के लिए अलग डालूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं, मैरिनेट कर दिए हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं और फिर अगला प्रोसेस शुरू करते हैं बनाने के लिए। इसको ढककर अब इसको रखते हैं। सोया चंक्स सब्जी में बनाने के लिए सामान लिए हैं, कुछ सब्जी है। तो सब्जी में सबसे पहले टमाटर का पेस्ट है, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर को धोकर साफ करके काट के और इसको पेस्ट बना लिए हैं। आप चाहें तो बारीक भी काट के डाल सकते हैं, पेस्ट भी बना सकते हैं। और 3 प्याज लिए हैं, सबसे बड़ा ये प्याज है स्वादिष्ट बढ़ाने के लिए। तो 3 बड़ा पोट प्याज को ऐसे स्लाइसेस में काट लिए हैं लच्छा में। और 3 से 4 हरी मिर्च है, इसको भी बारीक टुकड़ा में काट लिए हैं। और 1 छोटा कटोरी से आदी और लहसुन का पेस्ट बनाए हैं। और कुछ कटिंग करके लहसुन लिए हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में 5-6 जवा को काट लिए हैं। और कस्तूरी मेथी है, धनिया पत्ता है और खड़ा हरा मिर्च डाल रहे हैं इसमें काट के। वो तड़का में देंगे और कटिंग करके आदि भी तड़का के लिए। और 1 कटोरी मटर है। और तड़का लगाने के लिए इसमें कुछ साबुत मसाला लिए हैं। तो सबसे पहले 1 सूखी मिर्च है, तेज पत्ता है और काली मिर्च है, जीरा है और जायवित्री है। 1 चम्मच जीरा है छोटा चम्मच से, और 2 टुकड़ा दालचीनी है और 1 छोटी इलायची है, 5-6 फूल लवंग है, बड़ी इलायची है। इसको तड़का लगाएंगे। और 1 चक्री फूल है, इसे सब्जी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा जटमासी है, इसे और ज़्यादा फ्लेवर देता है। ये वैसी सुगंध आता रहता है, इसमें खुशबू निकलता है। अब शुरू करते हैं बनाने के लिए।
कढ़ाई मेरा गरम हो गया है, अब इसमें ऑयल डालते हैं, मस्टर्ड ऑयल। तेल मेरा गरम हो गया है, अब तड़का के लिए ये जो लिए थे तड़का के लिए सब सामान सब एक साथ डाल देते हैं। वो तो पहले मैं बता दी हूँ, फ्लेम एकदम लो रखना है, ज़्यादा फ्लेवर जलाना नहीं है। सबसे पहले कटी हुई हरी मिर्च डालते हैं आधी, और बारीक कटी हुई मिर्च, और इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। इसके बाद लहसुन, प्याज, अब इसको डाल के ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे इस तरह से। प्याज मेरा फ्राई हो गया है, ये सारा मसाला देख लीजिए। अब इसे ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना है क्योंकि इसका फ्लेवर सब जल जाएगा तो प्याज का टेस्ट नहीं आएगा। अब इसमें बारी बारी से सब मसाला वगैरह डालती हूँ। तो सबसे पहले लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, और इसको अच्छी तरह से पहले भूनूंगी। अब इसमें मसाला डालती हूँ, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, और एक चम्मच और एक चम्मच जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, और एक चम्मच और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और इसमें टमाटर का प्यूरी। और इसी में मटर को भी डाल के साथ में इसको फ्राई कर देती हूँ। मसाला का भुनाई हो गया है, देखिए ऑयल मसाला से रिलीज कर रहा है। अब इसमें डालते हैं सोया चंक्स, और डाल के उसको भी अच्छी तरह से भुनाई करते हैं। मेरा किचन में इतना खुशबू आ रहा है अभी से लग रहा है कि मेरा सब्जी कितना टेस्ट बनेगा सोयाबीन बड़ा का। अब इसमें सोया बड़ी को डालते हैं, और दाल को अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है जब तक एकदम मसाला अलग अलग ना हो जाए। फ्लेम को एकदम लो रखना है, लो फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है। इस तरह से चलाना है, और इसको ढक ढक के हम फ्राई करेंगे। इसे पानी बहुत छोड़ेगा क्योंकि दही डाला हुआ है, और लगातार इसे चलाना है क्योंकि मेरा दही भी फटे ना। और इतना इसको भुनाई करना है एकदम अलग अलग मेरा सब हो जाए जो भी सामान डाले हैं। तब इसको ढक देते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका। अभी तो बना ही नहीं है सब्जी, और इस तरह से इसका कितना अच्छा टेक्चर आ रहा है, कलर बहुत सुंदर। और जो भी उसमें बचा हुआ था वो पानी धो धा के मैं डालती हूँ इसमें, और एकदम लो फ्लेम पर इसे आराम से पकने दीजिए। इसको 5 से 10 मिनट लग जाएगा।
स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं दोस्तों। ये पहले मैं डाली थी नमक मैरिनेट करते समय, और ये मसाला वगैरह डाले तो और इसमें ग्रेवी के लिए डाल देते हैं। ये सब्ज़ी आप लोग बनाइएगा एक बार ज़रूर दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है। ये मटन और चिकन दोनों फेल करेगा। जो नॉनवेज आप लोग खा रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और भेज भी खाते हैं तो उनके लिए भी ठीक है, दोनों मेकअप करेगा। और एक बार मेरे तरफ बना के एक बार मेरे चैनल पर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि मेरा रेसिपी बनाया हुआ कैसा लगा। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग बनाते होंगे मुझे मालूम है, लेकिन मेरे ट्रिक से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें और बहुत टेस्टी बनता है। सब्ज़ी मेरा फ्राई हो गया है, अब देख लीजिए सब एक दूसरे में घुल मिल गया है, जो प्याज वगैरह डाले थे सब। अब इसमें ग्रेवी के लिए गरम पानी करके डालते हैं। आप लोग जब भी बनाएं तो गरम पानी डालें, गरम पानी डालने से सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा आता है। ठंडा पानी डालिएगा तो वापस फिर वहाँ चला जाता है, फिर दोबारा से पकना शुरू होता है। ऐसे मैं गर्म पानी डालूँगी तो तुरंत ही पकना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हमें सब्ज़ी को पकाना है, और ज़्यादा देर तक अब पकेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी सब्ज़ी तैयार है। अब थोड़ा सा ग्रेवी को पकाना है, खाली पानी को, जो पानी डाले हैं सॉरी, इसको पकाना है। इसके बाद हमको फ्लेम को बंद करना है 2 मिनट के लिए। इसको पकाती हूँ, इसको ढक कर सलासल, और ऊपर से कस्तूरी मेथी डालते हैं। एक कस्तूरी मेथी मैं घर पर बनाई हूँ फ्रेंड्स। कस्तूरी मेथी बनाना बहुत आसान है, आप लोग घर पर ही बनाएं कस्तूरी मेथी। मार्केट में जाइए और 2-3 बंडल उठा के लाइए, और पत्ता तोड़कर फ्रेश पानी में धोकर और इसको सुखाइए, और सुखा के मैश करके पैक करके रख दीजिए। ये हो गया कस्तूरी मेथी, मार्केट से भी अच्छा ताज़ा। ये सालों भर मार्केट में अवेलेबल है कस्तूरी मेथी। वो हरा जो मेथी फरता है उसके पत्ती को कस्तूरी मेथी हमें कहते हैं, तो हम तो मार्केट से लाना बंद कर दिए। और ये भाजी का मसाला मैं डाल रही हूँ, एक किचन किंग मसाला है, ये मैं घर पर ही बनाई हूँ, मेरा वीडियो में डाला हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाके देखिए और इसी तरह से मसाला को बनाइए, बहुत टेस्ट आएगा। मार्केट और घर पर जो भी बनाइएगा आपको बहुत अंतर आएगा दोस्तों, इसलिए सारा चीज़ हम लोग घर पर बनाएं और बनाने का कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। और मेरा सब्ज़ी अब बनकर तैयार हो गया है, सब्ज़ी से बहुत खुशबू आ रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, मुंह से लगता है कि पानी आ रहा है। उंगली तो सब कोई चाटते हैं खाते समय, लेकिन प्लेट तो नहीं चाटते हैं, लेकिन प्लेट थाली भी हम लोग ये सब्ज़ी बनाएंगे इस ट्रिक से, मेरे तरह ट्रिक से तो चाट सकते हैं। सब्जी मेरा हो गया है दोस्तों, अब इसमें धनिया पत्ता से ऊपर से इसको गार्निश कर देते हैं, फ्लेम को कर देते हैं बंद। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जितना हो सके शेयर करें और इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहें। और अब आप लोग के सर्व करके दिखाते हैं कि किस तरह से मेरा सब्ज़ी बना है। तो मेरा सब्ज़ी बनकर तैयार है सोया चंक्स का, देख लीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। और मेरा ट्रिक जो बताया गया है वो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब आप लोग के सर्व करके दिखाते हैं कि कैसा टेस्टी बना है। और ये सब्ज़ी आप किसी में सर्व कर सकते हैं, चावल, पराठा, नान, तंदूरी, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप सर्व करिए। इस तरह से देखिए ये ग्रेवी बहुत थिक बना है। तो दोस्तों मेरा बनाया हुआ सोया चंक्स का सब्जी कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए, और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।